कहीं पढ़ा था कि एक बेटा पैदा हुआ। इस घटना को बुद्ध के साथ भी जोड़ा गया है, अलग अलग ढंग से इस घटना को लोगों ने इंटरप्रेट किया है, जो भी रहा हो, पर घटना एक संदेश तो देती है। तो जब वो बेटा पैदा हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बेटा बहुत पुण्यात्मा है और एक दिन अगर इसकी आंख खुल गई तो ये घर छोड़ देगा। बहुत मुश्किल होती है माता पिता को इस तरह का अगर कोई डिक्लेरेशन हो उसके बेटे को लेकर के, ठीक है पुण्यवान है ये बहुत अच्छी बात है, तो पुण्यवान है तो रहे घर में और घर के लोगों को ऐशो आराम उपलब्ध कराए, तब तो वो पुण्यवान है, और घर ही छोड़ के चला जाए तो उसका पुण्य का क्या मतलब। देखो मजा हमारे साथ, हम दूसरे को उतना ही पसंद करते हैं जितना दूसरा हमारे काम आता है, जितना हमारा दूसरे से स्वार्थ सत्ता है उतना हमें दूसरा अच्छा लगता है। इसके अलावा हमारे भीतर ऐसी कोई रोशनी नहीं है कि हमें प्राणी मात्र के प्रति अपने भीतर इस तरह की भावना उपजे जैसी भावना हमारी अपने आसपास जो हमारे जीवन के लिए मदद देते हैं उनके प्रति उमड़ती है, ऐसी प्राणी मात्र के प्रति भी उमड़े तो शायद हमारे जीवन में रोशनी हो। खैर पिता ने पूछा कि उपाय क्या करना चाहिए, तो ज्योतिषियों ने कहा कि उपाय बहुत आसान है, इसकी आंख ना खुल पाए इस बात का ध्यान रखें। तो पिता ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, क्या हमारे बेटे को आप पुण्यवान कह रहे हो और क्या अंधा बनाना चाह रहे हो, आंख ही ना खुले। नहीं, तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये वाली आंख खुलने की बात नहीं कह रहे हैं, ये वाली आंख तो खुलेगी लेकिन भीतर वाली ना खुल पाए, नहीं तो छोड़ देगा घर। तो क्या उपाय करना चाहिए, उपाय यही करो कि इस बेटे का लालन पालन इस तरह से करो कि ये किसी मुरझाते हुए चेहरे को ना देखे, ये किसी मुरझाते हुए फूल को ना देखे, ये बुढ़ापा इसके सामने ना आए, वरना ये विरक्त हो जाएगा, इसकी आंख खुल जाएगी। और दूसरी बात का ध्यान रखना कि कभी इसके जीवन में कोई मृत व्यक्ति दिखाई ना पड़े। और तीसरी बात बहुत सावधानी रखना, इसके बाद भी खुल सकती है। तीसरी बात, इसको जरा भी अपने बाबत अपने जीवन के बाबत सोचने का मौका मत देना। अगर इसे थोड़ा भी अपने जीवन के बाबत सोचने का खाली टाइम मिल गया तो आंख खुल जाएगी। देखो शायद ये तीनों उपाय आंख बंद रखने के हमने भी किए हैं, आंख लेकिन इसके बावजूद भी जिनकी खुलना है खुल जाती है। कहते हैं उस बेटे को बहुत सावधानी से पाला गया लेकिन एक दिन वो तो राजकुमार था और युवाओं के सम्मेलन में वो अपने रथ में बैठ करके जाता था, तो सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी चौराहे पर एक बिल्कुल जर्जर देह में कोई वृद्ध व्यक्ति गुजरता हुआ उसे दिखाई पड़ ही गया। उसने अपने सारथी से कहा कि ये कौन है, जो पहली बार अपने जीवन में किसी वृद्ध को देखेगा और जर्जर शरीर देखा उसके भीतर प्रश्न तो जरूर से उठेगा। हम लोग तो एडिक्ट हो गए हैं, हम लोग के तो आदत में ये चीज आ गई है कि हम इन सब चीजों को देख करके भी और अपने जीवन में कोई संदेश नहीं ले पाते हैं, जिसको अपन रिजिडनेस कहते ना, कि आदमी जब बहुत रिजिड हो जाता है किसी चीज के बारे में, संवेदन शून्य हो जाता है, वैसी स्थिति से हम भी सब लोग जो है कुछ चीजों के मामले में तो गुजरते हैं। बहुत सारे दिन भर के काम में जरा देखना कि हम लोग कितने रिजिड हो गए हैं कुछ चीजों को लेके, हम उन कितना इग्नोर करते हैं। जिन चीजों को हमें गौर से देखना चाहिए, आंख खोल के देखना चाहिए, उन चीजों को हम शायद ठीक से नहीं देखते हैं। बुढ़ापा सबके जीवन से आता है, सबको उससे गुजरना पड़ता है।